शेख अब्दुल्ला टू अब्दुल्लांबेकर फॉर डिस्कसिंग दिस मैटर डॉबेडकर टोल्ड शेख अब्दुल्ला यू वांट दैट दैट इंडिया शुड शुड प्रोटेक्ट कश्मीर एंड कश्मीरी गेट इक्वल राइट्स लाइक द अदर कंट्री मैन बट यू डू नॉट वांट टू गिव एनी राइट टू इंडिया एंड इंडियंस इन कश्मीर आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट ज्वाइन यू इन दिस टाइप ऑफ फोर्जरी एंड बिट्रेल विद माई कंट्री दिस दिस इज द वर्ड्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं ये कि मैं अपने देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर सकता हूं जो सत्तर साल तक जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी देर से वो मेरे साथ लाइव है। मैं उनका रुक कर सकता हूं हसनैन मसूदी साहब मसूदी साहब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाला दिल वो धारा 370 जिसने कश्मीर को आम हिंदुस्तानी से अलग कर रखा था धारा तीन को नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अमित शाह बतौर गृह मंत्री ने आज अच्छा समाप्त कर दिया है क्या आपको लगता है ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को कश्मीर के आवाम के साथ आपको भी खड़ा होना चाहिए और तिरंगे झंडे के आगे नतमस्तक होकर कहना चाहिए सही किया सरकार या फिर आपका तो देखिए अमित जी देखिए अमित जी 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 देखिए एस जी पहले मेरी बात एक सुनिए मैं अपना पक्ष रखूँगा मैं अपना व्यू पॉइंट रखूँगा तो उस व्यू पॉइंट में किसी को इख्तलाफ हो सकता है मैं आपके पैनलिस्ट को नहीं जानता हूँ मेरे किसी के साथ कोई पर्सनल मामला नहीं है मैं अपना ध्यानदारी से अपना व्यू पॉइंट रखूँगा बात यह है कि ये कोई खुशी का दिन नहीं है ये तकलीफ का दिन है वो इस वजह से देखिए जब जम्मू कश्मीर का रिश्ता हो गया हिंदुस्तान के साथ तो उस वक़्त कुछ प्लेज दी गई कुछ भरोसा दिया गया कि इन बर, इन टर्म्स कंडीशंस पर आपका हमारे साथ रिश्ता हो गया जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट थी उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर तुमु ने मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा तो आज जो तुमु वो पलेजस थी जो वो भरोसा था जो विश्वास था वो टूट गया मसूदी साहब जम्मू कश्मीर मुस्लिम स्टेट थी ये तो कभी नहीं हुआ था मुझे मुझे, ये तो आप हिस्ट्री जगर, को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और टेम्प्रेरी था धारा तीन सौ सिंह थे वहां पे तो मुस्लिम स्टेट कैसे देखिए देखिए बात बात मुस्लिम स्टेट तो नहीं थी ना देख देखिए बात सुनिए ना आप बड़े देखिए तीन मामले थे हैदराबाद जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और और जो पुलिस जो जो प्रलेजेस दी गई थी दे, देखिए जो प्रलेजेस दी गई है जो जो, जो, जो हमें हम हम जे देखिए हमारे तशफुस का हमारी आईजीम की बात की गई नहीं मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए मुस्लिम स्टेट कब थी जम्मू कश्मीर और क्या धारा 370 टेंपरेरी नहीं थी क्या धारा 370 टेंपरेरी नहीं थी वो टेंपरेरी 70 साल कैसे चल सकता है नहीं नहीं जी जी बिल्कुल नहीं। अरे 70, की भी तीसरी पीढ़ी आ गई। ये 370 वही है जो महाराजा ने किया था। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं गलत बात ने, है। करता ने, हूँ सुन ने, लीजिए भ्रामक स्थिति नहीं फिरानी चाहिए देखिए छब्बीस अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन आप सुन तो लीजिए छब्बीस अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन को एक्सेशन पे सिग्नेचर हुआ और जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है 17 अक्टूबर 1949, अर्थात दो वर्षों बाद जाके आर्टिकल 370 लाया गया है तो ये एक्सेशन के साथ आर्टिकल 370 का कोई सवाल ही नहीं मौजूद होता है और दो तीन बातें मैं बता जहां तक नहीं है कि जम्मू कश्मीर देखे, का देखे, ही जो संविधान है उसके अनुदीन के अनुसार जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मसूदी साहब को बोलने दीजिए ओके मसूदी साहब देखिए 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 जो 370 है 370 वही है जो एक्सेशन की कंडीशंस है बिल्कुल नहीं है अग्रीजे चबस्ती में से एक एक करके बोले मसूदी साहब अपना व्यू रख रहे हैं फिर उसके बाद अग्रीजे अवस्थी रखेंगे फिर डॉक्टर समीर कॉल रखेंगे बोले मसूदी साहब मसूदी देखिये देखिए दूसरी दूसरी बात देखिए बा, दूसरी दे, दूसरी बात यह है कि यह जो सारा आज जो कानून जो बनाया जा रहा है यह सारा कॉन्स्टिट्यूशन को दरकनार करके बनाया जा रहा है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है ही नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है ही नहीं ठीक है अब संविधान असंविधानिक संविधान से पहला खिलवाड़ हुआ था जब पैंतीस लागू किया गया बिना संसद में देखे, लाए हुए दे, देखिए संवैधानिक अपराध है और उस समय की सरकार के साथ क्या अगली बात सुनिए मुझे महाराजा छब्बीस नवम्बर छब्बीस नवम्बर उन्नीस सौ उनचास को संविधान बना पच्चीस नवम्बर उन्नीस सौ हरि सिंह का बयान पढ़ लीजिए जो डॉक्यूमेंट्री है उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से आवाज से, दे, दे, भारत दे, को, दे, भारत के संविधान को घोषणा करता दे, दे, हूं और एडॉप्ट करता हूं, डिक्लेयर करता हूं और एडॉप्ट करता हूं। जी जी। ये महाराजा हरि सिंह का है राज्यसभा में पारित हो गया है सरकार के पक्ष में मेजोरिटी वोट पड़े हैं अब आप बताइए यहां से रास्ता क्या है अब तो आपको भी एक, एक संविधान एक विधान और एक निशान सर, मानना पड़ेगा ना नहीं मानेंगे तो कहा जाइएगा सरकार ने तो फैसला कर लिया है राज्यसभा में पास हो गया कल लोकसभा में पारित हो जाएगा एक्सेशन में जो क्या करिएगा तीन और आठ था वही मिरर करता है थ्री सेवनटी थ्री वही है दूसरी बात यह देखिए आज जो हुआ जो हमारे सदरी जम्भूरी ने जो अमेंडमेंट की थ्री सेवेंटी में वो भी जरिए नहीं किया है आर्टिकल थ्री सेवेंटी के अनुच्छेद नंबर तीन में राष्ट्रपति के पास जो पावर है उस पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति ने ये अधिनियम अर्थात गैजेट जारी किया है इसको अमित शाह के साथ रखा है और भी लीगल ईगल हैं देश के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस विषय